आपने देखा होगा कि बाहर के दुनिया में आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे आर्थराइटिस में, फिर से कैंसर, डायबिटीज़। तो इसमें से बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि अपनी बॉडी को अगर आप अल्कलाइज करते हैं, बॉडी का पीएच अगर बढ़ाते हैं, तो इनसे दूर रह सकते हैं। जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी ना पड़ो ना तो बाद में फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी बॉडी की पीएच अगर आप बढ़ाते हो तो उसके लिए 80% आपका इनपुट होता है पानी। वो अगर आप गलत पानी पी रहे हो, जैसे कि ज़्यादातर लोग बॉटल वाटर या मिनरल वाटर बोलते हैं, और ये जो आरओ का है, तो ये पानी आरओ का पानी अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किया है। अब देखिए, बचपन में हम रेलवे स्टेशन पर पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। आज आप पियेंगे, पानी वही है, नल भी वही है, लेकिन आपका डर है। आपको अगर हेल्दी रहना है तो नेचर के साथ रहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाके प्लेटफॉर्म का पानी पीजिए, बट आई मीन टू से अच्छा पानी पीजिए, लेकिन आरओ पानी मत पीजिए। भले आप मशीन दो या मत लो, ये सेकेंडरी इशू, लेकिन आरओ पानी मत लीजिए। म्यूनसिपैलिटी का पानी भी इज मच बेटर देन आरओ। तो आपको ये मशीन क्या करता है, जैसे गंगोत्री का पानी है, गंगा का पानी हम इतना पवित्र मानते हैं, वो पानी अगर हमारे घर आएगा तो कैसे रहेगा, यही काम की मशीन करता है। आपको अल्कलाइन पानी देगा, आपको माइक्रो क्रिस्टल देगा, और ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब आपने अगर देखा होगा तो इसमें एक वीडियो भी है जिसमें खीलों को, खील को इसमें केंगन पानी में डाल के रखा है 6 महीने के बाद। नॉर्मल पानी में डालते हैं तो खीले गायब हो जाते हैं, है ना, वो जंग खा के। इसमें जंग डाले पकड़े हुए खीले अगर डालते हैं तो उसका जंग निकल जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एंटी ऑक्सीडेशन। जान है तो जहान है, कहते हैं अगर आपके पास बाकी की कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ आ सकता है। अगर हेल्थ नहीं है तो उसको बाकी के सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, बी हेल्थी।